डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ऑफ क्वाड्रेंटल एंगल बाय यूनिट सर्कल, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फाइंड करेंगे क्वाड्रेंटल एंगल की विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल क्या है? सर्कल हैविंग रेडियस 1 यूनिट इज कॉल्ड यूनिट सर्कल। अब हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल कौन से हैं? हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल में है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। यानी क्वाड्रेंटल एंगल पे हम फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, एक टेबल ड्रा कर लिया जिसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे, और हमने ड्रा किया एक यूनिट सर्कल। अब यूनिट सर्कल क्या है? सर्कल हैविंग रेडियस 1 यूनिट, इसे हम बोलेंगे यूनिट सर्कल। अब यहाँ पर हमें सर्कल ड्रा किया, यूनिट सर्कल, और इसके साथ इस सर्कल को हमने कहाँ पे ड्रा किया? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है। अब क्योंकि ये यूनिट सर्कल है तो इसका रेडियस क्या होगा? इसका रेडियस 1 होगा। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया सर्कल के सर्कल पी बाउंड्री पर, और जब पॉइंट को सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन किया, और उसके बाद ये हमारे पास रेडियस है, पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा किया तो हमारे पास यहाँ पर ओ क्यू डिस्टेंस एक्स है और पी क्यू डिस्टेंस हमारे पास वाई है। अब यहाँ पे ओ पी, ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस है, ये रेडियस है और ये किसके इक्वल है? 1 है। अब यहाँ पर अगर हम अप्लाई करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, हमें पता है कि कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेन्यूस 1 है तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर 1, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर 1। हम कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू वाई। यानी अगर एक यूनिट सर्कल है तो इट मीन्स एक्स किसके इक्वल होगा? कॉस थीटा, और वाई किसके इक्वल होगा? साइन थीटा के। अब डेफिनेटली ये मैंने पॉइंट यहाँ पे ड्रा किया है, ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस पे हो सकता है, अलॉन्ग वाई एक्सिस पे हो सकता है। अब इसके लिए हमें सबसे पहले ये कन्फर्म करना होगा कि जब हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस करते हैं तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होती है वाई इज इक्वल टू जीरो। यानी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होगी? 0। और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? वाई एक्सिस की इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल टू 0। यानी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब यहाँ पर क्योंकि ये हमारे पास एक सेंटर ऑफ द सर्कल है, सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, इसे हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस है हमारे पास ए, तो इसका मतलब ओ से ए तक का डिस्टेंस ये क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। और क्योंकि यूनिट सर्कल है तो ये रेडियस हमारे पास इतना कहाँ बन रहा है? क्या बन रहा है? 1। अब क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हमारे पास बने वो क्या बने? 1, 0। यानी ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है ये 1 है, और इस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट क्या है? 0। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 है, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट क्या बने? a के कोऑर्डिनेट बने 1, 0। अब क्योंकि ये पॉजिटिव x एक्सिस है तो कोऑर्डिनेट बने 1, 0। इसी तरह जब हम नेगेटिव x एक्सिस को डील करेंगे, यहाँ पर हम a प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -1, 0, क्योंकि ये है हमारे पास नेगेटिव x एक्सिस, और इस x एक्सिस पे थ्रू आउट y कोऑर्डिनेट यहां पर भी 0 है, y कोऑर्डिनेट यहां पर भी 0 है। सेम बिहेवियर अलोंग y एक्सिस, जब हम y एक्सिस को डील करेंगे तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट 1 होगा। क्यों? क्योंकि o से लेके इस पॉइंट b तक का जो हमारे पास डिस्टेंस होगा ये क्या है? रेडियस है, और रेडियस यहाँ पे क्या है? इक्वल टू 1 है, यानी यूनिट सर्कल है तो रेडियस 1 है। इसी तरह ये पॉजिटिव y एक्सिस था, नेगेटिव y एक्सिस है तो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? 0, -1, यानी x कोऑर्डिनेट 0 ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? -1। अब इस यूनिट सर्कल में जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है cos को। मैंने यहाँ पे इसी को एक्सप्लेन किया कि अगर हमारे पास पॉइंट है p x, y, तो इसका मतलब पॉइंट का x की वैल्यू क्या है?
एक्स है हमारे पास कॉस थीटा, वाई की वैल्यू क्या है साइन थीटा। इट मीन्स यहाँ पर जब ये पॉइंट है तो ये एक एंगल थीटा जनरेट कर रहा है, तो यही जब पॉइंट अलोंग एक्स एक्सिस होगा, जब ये पॉइंट अलोंग एक्स एक्सिस होगा तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह होगी, हमारे पास होगा कॉस 0 डिग्री कॉमा साइन 0 डिग्री। अब क्योंकि कॉस 0 डिग्री तो 1 होता है, 1 वैल्यू पुट होगी। अब साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0, तो इसको एक वैल्यू को माइंड में सेट करते हुए हम रिमेनिंग वैल्यू डिस्कस कर सकते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, जब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाएंगे तो 1 क्या होगा, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट -1, वाई कोऑर्डिनेट 0 ही रहेगा, और जब हम वाई एक्सिस पे जाएंगे तो वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव y एक्सिस पे 1 और नेगेटिव y एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट -1 होगा। अब यहाँ पर इसकी हेल्प से हम ये टेबल अपना कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एंगल मेंशन कर दिया, रेडियन में एंगल मेंशन कर दिया, डिग्री में। हमें वैल्यू किसकी डिस्कस करनी है, हमें वैल्यू डिस्कस करनी है साइन की, हमें वैल्यू डिस्कस करनी है कॉस की, हमें वैल्यू डिस्कस करनी है टेन की, एंड रेसिप्रोकल्स ऑफ साइन cos 10। साइन का रेसिप्रोकल है हमारे पास कोसिकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल है हमारे पास सिकेंट, टेन का रेसिप्रोकल है हमारे पास कॉट। अब यहाँ पर हमें ये डिस्कस करना होगा कि साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। उसके बाद हमारे पास साइन 90 डिग्री क्या होगा, साइन 90 डिग्री होगा 1। उसके बाद हमारे पास है साइन 180 डिग्री, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे बन रहा है, तो साइन 180 डिग्री क्या होगा 0। उसके बाद 270 पे साइन क्या होगा -1 और साइन 360 अगेन क्या होगा 0। डियर स्टूडेंट, ये वैल्यू हम कहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, ये वैल्यू हम यूनिट सर्कल से सेलेक्ट कर रहे हैं। आप नोटिस करें, ये फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है कॉस को, सेकंड वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है साइन को, इसका मतलब 0 डिग्री पे साइन क्या है 0। उसके बाद हमारे पास 180 डिग्री पे साइन क्या है 1। उसके बाद हमारे पास 180 डिग्री पे साइन क्या है 0। उसके बाद हमारे पास 270 डिग्री पे साइन क्या है -1, अगेन 360 पे साइन क्या है 0। यानी पॉइंट का जो फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस को, और जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है साइन को। अब हमें वैल्यू कॉस की चाहिए, तो सेम कॉस की वैल्यू कॉस 0 डिग्री यहाँ से हम ले सकते हैं, कॉस 0 डिग्री क्या होगा 1। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट कॉस 90 डिग्री, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू कॉस को रिप्रेजेंट कर रही है, कॉस 90 डिग्री क्या होगा 0। उसके बाद 180 पे कॉस 180 डिग्री क्या होगा -1। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस 270 डिग्री क्या होगा, कॉस 270 डिग्री होगा 0, एंड कॉस 360 डिग्री अगेन वैल्यू बिकम्स 1। ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बनेगी 1 बन जाएगी। अब यहाँ पर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं टेन को, तो टेन बेसिकली क्या होता है, टेन बेसिकली होता है साइन ओवर कॉस। तो अगर हमें टेन की वैल्यू चाहिए तो टेन क्या होगा साइन डिवाइड बाय कॉस, यानी जब मैं 0 डिवाइड बाय 1 करूँगा तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। उसके बाद जब हमें टेन की वैल्यू चाहिए होगी 90 डिग्री, तो ये बनेगा 1 डिवाइड बाय 0, और 1 डिवाइड बाय 0 क्या होगा अनडिफाइन होगा। उसके बाद जब हम आएंगे टेन 180 डिग्री, तो ये 0 डिवाइड बाय -1, 0/some value = 0 ही होता है। उसके बाद जब हम आएंगे टेन 270, तो 1 डिवाइड बाय 0, ये अगेन वैल्यू बनेगी हमारे पास अनडिफाइंड, यानी -1/0, ये हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी अनडिफाइंड। उसके बाद जब हम वैल्यू को डिस्कस करेंगे टेन 360 डिग्री पे, तो ये बनेगा 0/1 = 0। तो इसका मतलब हमने क्वाड्रेंटल एंगल साइन कॉस टेन, इसकी वैल्यू 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, 270 डिग्री पे एंड 360 डिग्री पे डिस्कस कर ली। अब रेसिप्रोकल में हमें वैल्यू को क्या करना होगा, उलट फॉर्म में राइट कर देना, यानी अगर हमें चाहिए कोसिकेंट 0 डिग्री, तो डेफिनेटली ये किसका रेसिप्रोकल होगा साइन का, तो 0 का रेसिप्रोकल होगा 1/0 बिकम्स अनडिफाइंड। उसके बाद हमें चाहिए कोसिकेंट
90 पे, तो 1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो डेफिनेटली 1 ही रहेगा। उसके बाद कोसेकेंट 180 डिग्री पे 0 का रेसिप्रोकल 1 ओवर 0 बिकम्स अनडिफाइंड। उसके बाद हमारे पास है कोसेकेंट 270 डिग्री पे, अब -1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है। और जब हम आएंगे कोसेकेंट 360 डिग्री पे तो हमारे पास 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ओवर 0 अगेन बिकम्स अनडिफाइंड। अब सीकेंट की वैल्यू के लिए हम कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1 का रेसिप्रोकल डेफिनेटली 1, 0 का रेसिप्रोकल 1 ओवर 0 अगेन बिकम्स अनडिफाइंड। उसके बाद -1 का रेसिप्रोकल डेफिनेटली -1 ही रहेगा, 0 का रेसिप्रोकल 1 ओवर 0 बिकम अनडिफाइंड, 1 का रेसिप्रोकल अगेन 1। अब अगर हमें कॉट की वैल्यू चाहिए, कॉट 0 डिग्री पे, 90 पे, 180, 270, 360 डिग्री पे, तो हम टेन की वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे। इसका मतलब है यहाँ पर टेन 0 डिग्री पे क्या है, 0, इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1 ओवर 0 अगेन बिकम्स अनडिफाइंड, ये हमारे पास क्या बनेगा, अनडिफाइंड। उसके बाद हमें चाहिए कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 तो डेफिनेटली यहाँ पर इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 1 ओवर इन्फिनिटी, या कह लें 0 ओवर 1 हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 0। नेक्स्ट हमारे पास है कॉट 180 डिग्री, अब 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ओवर 0 अगेन बिकम्स अनडिफाइंड। इसी तरह हम फाइंड करेंगे कॉट की वैल्यू 270 डिग्री पे, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होगा और 0 का रेसिप्रोकल अगेन 1 ओवर 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया, यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ऑफ क्वाड्रेंटल एंगल विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।